3 जुलाई को एक बार फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। पुलिस प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए इस बार एग्जाम केंद्र बढ़ाए हैं। देखिए 3 जुलाई को जो है भर्ती प्रक्रिया के में जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि शिमला जिला में 11 सेंटर्स बनाए गए हैं जो शिमला सिटी के अंदर हैं। शिमला सिटी में 11 सेंटर्स बनाए गए और इसमें लगभग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 5144 कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। सर क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी मोबाइल एंड ऑल दैट? देखिए किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई भी आपके पास कोई भी ऐसी सामग्री जो कि वांछित नहीं है वो परीक्षा में जो है ना लाई जाए, और आपके पास सिर्फ जो है पेन और उससे रिलेटेड चीज ही होनी चाहिए जिसमें आप जिसे आपने मार्किंग करनी है। बाकी किसी भी तरह की कोई भी चीज बैग मोबाइल या ये सारी भी चीजें जो है परीक्षा केंद्र के अंदर जो है अलाउड नहीं होगी। तो कृपया करके अपने मोबाइल ना लाएं और कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिससे जो है अलाउड ना हो, जो कि आपके एडमिट कार्ड्स में क्लियरली लिखे गए हैं जो चीजें, वो ना लेकर के आए। उनको एडमिट कार्ड दिए गए? एडमिट कार्ड और सीसीटीवी की क्या व्यवस्था है इस बार का? बिल्कुल, देखिए जो ये परीक्षा जो है ये सीसीटीवी और जो जैमर है उसकी सर्विलेंस के अंडर ही की जाएगी। हर सेंटर में जैमर भी लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। उनको एडमिट कार्ड दिए गए जो पेपर में इन्वॉल्व रहे पहले? देखिए उनको एडमिट कार्ड्स नहीं दिए गए हैं, वो जो है उसमें उनको ब्लॉक कर दिया गया है, उनको एडमिट कार्ड्स नहीं गए हैं। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिट कार्ड जो है हमने SMS के थ्रू भेज दिए। शिमला में कितने कैसे हैं जिनको दोबारा नहीं? ये लगभग 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने नहीं कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।